नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। आज हम आपको देश की कोयला राजधानी धनबाद के बागमारा विधानसभा के चिटाही में बने श्री रामराज मंदिर में ले चलते हैं, जो कि खासा लोकप्रिय हो गया है। झारखंड वासियों के अलावा यहां श्रद्धालु देश के अन्य राज्यों से भी भगवान राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस मंदिर की सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है। प्रस्तुत है आजाद सिपाही के धनबाद जिला ब्यूरो हेड मनोज मिश्र की खास रिपोर्ट। अभूतपूर्व व अलौकिक है चिटाही का श्री रामराज मंदिर। अयोध्या में भले ही अभी राम मंदिर बनने में समय है, लेकिन झारखंड वासियों के लिए भगवान श्री राम के दर्शन के लिए श्री रामराज मंदिर 2 साल पहले ही बन गया। भाजपा के बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में श्री राम का भव्य मंदिर बनवाया है। विधायक के पैतृक गांव चिटाही स्थित रामराज मंदिर में आध्यात्म की अविरल धारा लगातार बह रही है। मंदिर प्रांगण में देवी देवताओं के समक्ष कोई दंडवत कर रहा है तो कोई यादगार के लिए सेल्फी ले रहा है, कोई मंदिर की कलाकृतियों को निहार रहा था। धनबाद जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण में बागमारा विधानसभा के टुटू पंचायत अंतर्गत चिटाही गांव पिछले 2 साल से अभूतपूर्व अलौकिक श्री रामराज मंदिर के लिए झारखंड समेत पूरे भारत में चर्चा का केंद्र बन गया है। मंदिर में स्थापित मूर्तियां, बाग बगीचे, 2 तल्ला विवाह मंडप, बोर्डिंग और गार्डन सहित अन्य चीजें देखने लायक है। बागमारा भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की यह कृति मील का पत्थर साबित हो गया है। चिटाही गांव वासी एवं विधायक ढुल्लू महतो समर्थक कार्यकर्ताओं के सहयोग से निर्मित इस मंदिर की लागत 2.5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। बागमारा प्रखंड के टुंडू पंचायत अंतर्गत चिटाही गांव में खोदी नदी के तट पर अवस्थित श्री रामराज मंदिर की भव्यता दर्शनीय है। प्रभु श्री राम के दरबार शिव पार्वती व राधा कृष्ण, हनुमान जी, श्री गणेश की प्रतिमाओं की शोभा अलौकिक है। वही श्री रामराज मंदिर के निर्माण होने से यहाँ के स्थानीय लोगों की तकदीर सहित दिशा और दशा दोनों ही बदलती जा रही है। हजारों लोगों को मंदिर के निर्माण हो जाने से रोजगार मिल रहा है। सप्ताह के प्रत्येक रविवार को यहाँ सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। आस्था के इस रामराज मंदिर में श्रद्धालुओं का कारोबार रोजाना पहुँच रहा है। मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना करने आए श्रद्धालु ने कहा कि मंदिर तो बन गया, लेकिन इसका विकास होना चाहिए। झारखंड सरकार को इसके विकास पर ध्यान देना चाहिए। राज्य एवं केंद्र सरकार को इसे पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करना चाहिए, ताकि इसकी पहचान देश विदेश में बन सके। 220 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और लगभग 2 एकड़ वर्ग के क्षेत्रफल में बना है मंदिर। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच चिटाही गांव में बना रामराज मंदिर 2 एकड़ से भी ज्यादा वर्ग के क्षेत्रफल में बना हुआ है। 220 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा क्षेत्रफल में बने इस मंदिर की सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर में राजस्थान के मकराना के खादानों से बेहतर किस्म के संगमरमर के पत्थर लगाए गए हैं, जो इसे और भी खूबसूरत बनाती है। यह एक काल्पनिक मंदिर है जिसे आंध्र प्रदेश के रहने वाले पी गोपाल राव ने बनाया है। इस मंदिर की सुंदरता और भव्यता चर्चे में है। मंदिर में भगवान राम के अलावा माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान, भगवान शिव, गणेश, पार्वती और राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की गई है। श्रद्धालु यहां देश के अन्य राज्यों से भी भगवान राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसे चिटाही धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को बनाने में लगभग 2 वर्षों का समय लगा है, जिसमें प्रतिदिन 150 के लगभग मजदूर काम किए हैं। मंदिर बनाने की कुल लागत लगभग 2.5 करोड़ है। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 5 फरवरी से 13 फरवरी 2019 तक 9 दिवसीय नवकुंडात्मक श्री चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया था। भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। यात्रा में हाथी, घोड़ा, ऊंट आकर्षण के केंद्र रहे थे। काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद जी सरस्वती द्वारा आध्यात्मिक प्रवचन दिया गया। रामराज मंदिर को लेकर झारखंड के मानपटल पर चर्चित बागमारा के चिटाही गांव में प्रभु श्री राम की जय जयकार हो रही है।
13 से 21 फरवरी 2021 तक श्री राम राज मंदिर की दूसरी वर्षगांठ मनाने की तैयारी जोरों पर है। इस मंदिर में श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन होगा। कलश यात्रा के साथ महोत्सव का शुभारंभ होगा, जिसमें आस्था व जन सैलाब उमड़ेगा। कलश यात्रा में चार चांद लगाने के लिए झांकियां निकाली जाएंगी। कई झारखंड सांस्कृतिक का दीदार किया जाएगा। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों से आकर्षक झांकी कलश यात्रा का शोभा बढ़ाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। 14 फरवरी को बंगला यात्रा, 15 फरवरी को जागरण, 16 फरवरी को कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। डॉक्टर कुमार विश्वास मुंबई के हास्य कवि दिनेश बाबरा कवि सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 20 फरवरी को भोजपुरी गायक कलाकार खेसारी लाल यादव समा बांधेंगे। कलश यात्रा के दौरान राजस्थान के हिंदुजा बैंड की धूम रहेगी। इसके साथ 40 ऊंट और 11 घोड़े यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही 100 फीट का भगवा ध्वजारोहण किया जाएगा, जो मुख्य आकर्षण होगा। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पंडाल व बाहर में मेला लगाने की तैयारी जोरों पर है, जहां विभिन्न प्रकार के खेल तमाशा का लोग आनंद उठाते नजर आएंगे। खान पान की दुकानों के अलावा घरेलू उपयोग में आने वाली लोहे के सामान सहित कई दुकानें सजेंगी। 13 फरवरी को निकलेगी भव्य कलश सहित शोभा यात्रा। आकर्षण के कई केंद्र होंगे। श्री राम राज मंदिर चिटाही धाम में आयोजित विष्णु महायज्ञ को लेकर 13 फरवरी को भव्य कलश सह शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा में आकर्षण के कई केंद्र होंगे। उपयुक्त बातें बुधवार को मंदिर परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महायज्ञ के मुख्य यजमान सह विधायक ढुल्लू महतो ने कही। उन्होंने कहा कि 13 से 21 तक यज्ञ 9 दिन तक होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। 19 को पूरी मठ के शंकराचार्य रहेंगे। लाखों श्रद्धालुओं के बीच रोजाना अलग अलग प्रसाद का वितरण किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य यजमान विधायक ढुल्लू महतो ने पत्रकारों से कहा कि कलश यात्रा राम राज मंदिर चिटाही धाम से 13 फरवरी 2021 को दामोदर नदी मरकच्चो घाट तक जाएगी, जिसमें देश भर के संस्कृति की झांकी मुख्य आकर्षण होगा। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा दामोदर से राम राज मंदिर तक श्रद्धालुओं के ऊपर की जाएगी। 15 किलोमीटर की यात्रा में 21,000 कलश शामिल होंगे। 15,000 ध्वज श्री राम पताका शामिल होंगे। 100 फीट का भगवा ध्वज झारखंड के पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी के द्वारा ध्वज का ध्वजारोहण होगा। भव्य कलश यात्रा में लाखों लोग शामिल होंगे। विधायक ढुल्लू महतो ने कहा, कलश यात्रा में शामिल होकर अपने आप को सौभाग्यशाली बनाएं। जो कल्पना जो हमारे पूर्वज ने देखा है, उसे पूरा करने का समय आ गया। पूरा देश राममय होगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला कमेटी प्रशासन की मौजूदगी होगी। आजाद सिपाही में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।